हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। तो इस बार मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। यह है केदारनाथ ट्रिप का व्लॉग और हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और ड्यूरिंग कोविड-19 हमने ये ट्रैवलिंग की है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अभी हम यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। ये ट्रिप हमने स्टार्ट की है देहरादून से, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे बाकी साथी भी साथ में आ चुके हैं। टोटल हमारे ग्रुप में 14 लोग हैं और इसमें से कुछ लोग बीच बीच में सो रहे हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है शिप्रा, ये भी सो गई है। ये है श्रद्धा, इन्होंने मास्क का बिल्कुल सही यूज़ किया है। केदारनाथ टेंपल को मैंने अभी तक मूवीज़ में और वीडियोस में देखा है और मेरी ये विश आज पूरी होने वाली है और मेरे साथ साथ आप भी इस मंदिर के दर्शन करेंगे। इस ट्रिप में काफ़ी सारी रोड्स आपको अच्छी मिलेंगी और काफ़ी रोड्स आपको बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहते हैं और ये हिली एरिया है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी टाइप की रोड्स आपको मैक्सिमम मिलेंगी यहाँ पर। मैं लाइव लोकेशन दे रही हूँ, देखिए कहाँ पहुँचे आगे वाले। तीरा सो रही है क्या? तीरा तो आगे बैठ के सो नहीं सकते। तीरा ये कलर बात है। काफ़ी रोड्स आपको इसी तरह की मिलेंगी, लगभग पूरा रास्ता आपको इसी टाइप का मिलने वाला है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो काफ़ी डर लगता है, तो रोड्स तो इसी टाइप की हैं सारी यहाँ पर। देखिए गाइस, कितनी खूबसूरत जगह है और इस खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए, सॉरी तीन चांद लगाते हुए ये तीन लोग। ओके गाइस, सब लोग खाना खा रहे हैं बैठ के। हम इधर बोले नहीं लग रहे हैं। देखिए मैं अभी हूँ। ईरा ने अभी बात बोले शिप्रा। अबे देख लो वहाँ। सब आ गए गाइस। चलो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी जिसको वॉशरूम वगैरह जाना था, और हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया है। उसके बाद हमने अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर दी है। अभी हम पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। देहरादून से सोनप्रयाग तक हमको 10 से 11 घंटे लगे हैं गाड़ी से, और बीच बीच में हम लोग काफ़ी रुके भी हैं, हमने काफ़ी फ़ोटोशूट किया है। और रास्ता काफ़ी डेंजर है तो गाड़ी थोड़ा स्लो चलानी होती है, इसलिए 10 से 11 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। ये जो व्यू आप देख रहे हैं और ये जो नज़ारा है पहाड़ का और जो ये ग्रीनरी का, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। काफ़ी अच्छा नज़ारा है देखने में, जैसा कि आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। लगभग डेली यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है और डेली रोड्स को रिपेयर किया जाता है, जिससे कि आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। वाह, कितना खूबसूरत व्यू है ये देखिए, इसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं और जो काम है वो चलता रहता है। ये देखिए, यहाँ पर जेसीबी, दो दो जेसीबी आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं और वो अपना काम कर रही हैं। बीच बीच में जो भी लैंडस्लाइड होता है तो उसको रिकवर किया जाता है और यहाँ पर काम चलता रहता है और इसी तरीके से यात्रा जारी रहती है। ये मेरे चैनल पर मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। अभी हम लोग आ चुके हैं देवप्रयाग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देवप्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं। देखिए, एक का कलर थोड़ा लाइट है और एक का थोड़ा डार्क ग्रीन है,
तो यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं एक साथ, जिसमें कि एक का कलर लाइट है और एक का डार्क है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको जूम करके दिखाती हूँ, कलर आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, एक अलकनंदा है और एक भागीरथी नदी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, गंगा देख लो। हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम लोगों ने की है थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा फोटोशूट। पूरा रास्ता ख़राब नहीं है, बीच बीच में आपको इस टाइप की अच्छी रोड्स भी मिलेंगी। कई कई जगह में बीच बीच में इस टाइप की रोड्स आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। होटल में अच्छा वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ, वीडियो ही बनता है यार यूट्यूबर्स का। चलो चलो चलो, फाइनली हम लोग आ गए हैं सोनप्रयाग में। यहाँ पर हमने होटल लिया हुआ था और सोनप्रयाग में हम लोग इसी होटल में नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद मॉर्निंग में निकलेंगे यहाँ से। अब हो चुकी है मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं सभी लोग। ये है अर्जुन, रवि और ये है निखिल, और जो अंदर हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं ये मेरा भाई, ये है संगीता और ये है सूरज एंड ईरा और ये हिमांशु एंड शिप्रा। आजो 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 पार्थ भाई, चलो चलो सब, बाय बाय, चलो चलो चलो। मैं देख रहा हूँ कौन कौन निकला, कौन कौन पहुंचा, कौन कौन नहीं। गाइस कम ऑन, चलो गाइस। चलो भाई आ जाओ, अब वीडियो बंद कर दो, अब मैं दोबारा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, सोनप्रयाग से निकलते वक्त आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिर आप नीचे भी रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ से यात्रा शुरू करने से पहले वो कराना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गौरीकुंड के पास। ये जो नीचे आपको एक कुंड दिखेगा ये है गौरीकुंड, और गौरीकुंड तक आने के लिए हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए कैब किया था, और 5 किलोमीटर है लगभग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी ये जो चढ़ाई है वो शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी चढ़ाई वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये आगे हैं हिमांशु और शिप्रा, और ये यहाँ पर मैंने भी अपना थोड़ा सा वीडियो शूट कराया है, और मैं भी यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई करती हुई दिखूँगी आपको। चढ़ाई करते समय सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी है कि आपको बीच बीच में स्टे के लिए बेंचेस मिल जाएंगी रेस्ट करने के लिए, और बीच बीच में जगह जगह आपको चाय बिस्किट या फिर आप नींबू पानी लेना चाहें वो आपको मिलता रहेगा। तो
तो अभी यहाँ पर काफ़ी धूप निकल चुकी है, तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में, मैंने यहाँ पर ये जैकेट निकाल दिया है। लगभग सभी ने अपने जैकेट निकाल दिए हैं, तो धूप में काफ़ी गर्मी लग रही थी। मौसम एकदम चेंज हो चुका है, हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, अभी काफ़ी सूरज निकल चुका है तो हम लोगों ने अपनी जैकेट्स निकाल दी हैं। और आप अगर ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते हैं या आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं तो उसके लिए खच्चर भी अवेलेबल हैं, जिसका चार्ज है लगभग अराउंड 2300 रुपीज़, और आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने जो खच्चर किया था लगभग अराउंड मैंने 1500 में किया था, थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है। आपको जो यहाँ पर ये वाइट रंग की बर्फीली पहाड़ी दिख रही है, हमको वहीं तक जाना है। गौरीकुंड से लगभग आपको 16 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़नी होती है, और मैं ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ पाई थी तो मैंने खच्चर कर लिया था। कुछ लोगों ने मेरे साथ किया था खच्चर और बाकी लोग पूरा पैदल ही चलते हुए आए थे। जहाँ पर आपको खच्चर उतारते हैं यानी कि उनका जो स्टॉपेज होता है, उसके बाद भी मंदिर तक जाने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर तक की चढ़ाई आपको करनी होती है। तो फाइनली हम लोग वहाँ तक आ चुके हैं, उसके बाद अभी हम यहाँ पर 1.5 से 2 किलोमीटर तक की चढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम मंदिर तक पहुँचेंगे। तो अराउंड अभी बज रहे हैं शाम के 4, थोड़ी सी धूप हो रही है और यहाँ पर काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो सब ने वापस से अपनी जैकेट पहन ली है। शंकरा ये है अर्जुन, और अभी आपने जो सिंगिंग यानी कि जो गाना सुना है वो है रवि की आवाज़ में। अभी आप एक जयकारा सुनेंगे रवि की आवाज़ में, जय बोले। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं या फिर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो यहाँ पर चॉपर भी चलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे यहाँ पर चॉपर की अरेंजमेंट भी है, उसको भी आप बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। फाइनली हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर मंदिर दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर के पास, वहाँ से जो लगभग काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जाती हैं और ऊपर से आपको मंदिर दिखाई देगा। अभी मैं आपको यहाँ से मंदिर दिखाने वाली हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से आपको मंदिर दिख रहा है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग अभी करने वाले हैं शाम की आरती। इस वीडियो में केवल आप शाम की आरती देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, और शाम को क्योंकि मंदिर में सिर्फ आरती आप कर सकते हैं, अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको सुबह ही आना होगा। और जो सुबह वाला वीडियो है उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो उसके लिए आप पार्ट 2 देखना ना भूलें। आरती करने के बाद आज रात हम यहीं पर नाइट स्टे करेंगे। केदारनाथ के मंदिर के पास कुछ होटल्स हैं, वहीं पर हमने रूम्स लिए हुए हैं, वहीं हम नाइट स्टे करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 के व्लॉग में। जय भोले।